रोहन शंकर और लक्ष्मण उडेकर करेंगे फिर से काम के लिए कलेबोरेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों बता दूं आपको, रोहन शंकर और लक्ष्मण उडेकर जो बहुत बढ़िया राइटर, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर हैं, इन दोनों की जोड़ी फिर से करेगी कलेबोरेट एक प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों इनके आने वाले काम के बारे में आपको बता दूं कि कृति सैनन पे ये फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है मीमी और वो सरोगेसी पे निर्धारित है। इसकी बात करें तो रियल इंसिडेंट्स पे बेस होगी, महाराष्ट्र की कहानी है लेकिन इसका सेट राजस्थान में लगा है और बहुत अच्छे तरीके से सेट लगाया गया था, ये मानना है इस फिल्म के मेकर्स का। लेकिन कोरोना की वजह से इस फिल्म को रोक दिया गया और फिलहाल इसका शूट भी पेंडिंग है और इस फिल्म के गाने भी फिलहाल शूट होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही ये फिल्म ख़त्म होगी वैसे ही इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये कहा है लक्ष्मण उडेकर और रोहन ने। लेकिन अब इनके अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने कंफर्म किया है कि हम एक नए प्रोजेक्ट में फिर से काम करेंगे, लेकिन वो क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों का विज़न बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से फिल्म्स को बनाते हैं। इनकी लास्ट फिल्म की बात करें तो आपने इनकी मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें इन दोनों ने अपना काम दिखाया था, उसका नाम था लुका छुपी। और तो और अब इनको नया मौका मिला है अपना काम दिखाने का ऑडियंस की बात करें तो लोग इनके काम को काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन मीमी के बाद ये करेंगे नए प्रोजेक्ट को शुरू, पहले आएगी मीमी फिल्म फिर उसके बाद इनका अगला प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन दोनों की जोड़ी को लेके, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।